हेलो दोस्तों, गेट्स स्पेशल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड होता क्या है? बेसिकली रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड रादर देन द ऑपरेंड इटसेल्फ। मींस जब हम इंस्ट्रक्शन को लोड करते हैं और इंस्ट्रक्शन को जब हम फेच करने के बाद उसको डिकोड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? ऑपकोड मिलता है और एड्रेस मिलता है। एड्रेस वाली बिट्स आपको बताती है कि कहां पे आपका ऑपरेंड पड़ा है, मतलब जिस डेटा पे आपको काम करना है, जिस डेटा पे आपको कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो डेटा जो है आपका कहां पड़ा है, वो ये एड्रेस बिट्स यहां पे बता रही है। अब अगर हम बात करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की, तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा रजिस्टर का नंबर। मतलब यहां पे क्या लिखा होगा? किसी भी रजिस्टर का नंबर लिखा होगा। लेट्स से हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स हैं और लेट्स से रजिस्टर 1 है, रजिस्टर 2 है, रजिस्टर 3 है, देयर आर मल्टीपल रजिस्टर्स वी हैव। अब मेरे को यहां पे क्या मिला? लेट्स से R1 रजिस्टर का नंबर मिला। तो मैं क्या किया, R1 रजिस्टर पे गया, R1 रजिस्टर पे मेरे को डेटा मिला लेट्स से 100। इसका मतलब क्या है कि क्या 100 मेरा ऑपरेंड है? नहीं, ये एक्चुअल में था रजिस्टर मोड के अंदर, जहां पे रजिस्टर डायरेक्ट मोड जिसको हम बोल सकते हैं कि जहां पे आपको डायरेक्टली रजिस्टर के अंदर ऑपरेंड मिल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की, जहां पे आपको क्या मिल रहा है? एड्रेस मिल रहा है। किसका? मेमोरी का। आप रजिस्टर पे गए और रजिस्टर के अंदर आपको क्या मिल रहा है? ऑपरेंड मिल रहा, आपको मिल रहा है एड्रेस मेमोरी का। मतलब अब आपको इस एड्रेस पे जाना है मेमोरी के अंदर। पहले हम गए रजिस्टर में, रजिस्टर से हमें क्या मिला? मेमोरी का एड्रेस मिला। हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे मेमोरी की और वहां पे अपने को जो भी डेटा लिखा हुआ मिलेगा, लेट्स से वहां पे डेटा मिला हमें 200, तो यानी ऑपरेंड की वैल्यू आपकी क्या है? 200। दिस इज द मीनिंग ऑफ द रजिस्टर इन डायरेक्ट मोड। तो यानी अगर हम बात करें यहां पर इफेक्टिव एड्रेस की, तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? वो एड्रेस जहां पे आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है एक्चुअल में ऑपरेंड मिल रहा है। तो वो एड्रेस कौन सा है? वो एड्रेस है इस केस में 100, क्योंकि 100 में जाके आपको क्या मिल रहा है? 200, जो आपका एक्चुअल में ऑपरेंड है। तो इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव एड्रेस इन केस ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट। अगर हम यहां पे एक इंस्ट्रक्शन लिखे लेट्स से लोड R1, तो जनरली जब हम रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड लिखते हैं तो आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, दैट इज LD लोड R1 ब्रैकेट के अंदर। तो मतलब करना क्या है यहां पे, हमें एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा लोड करना है R1 रजिस्टर से। लेकिन हमारे पास कौन सा मोड है? ये इनडायरेक्ट मोड है। तो इनडायरेक्ट मोड का मतलब है कि आप R1 रजिस्टर पे जाओ, वहां पे आपको जो डेटा मिला है उसको उठाओ, वो एक्चुअल में क्या है? मेमोरी का एड्रेस है। तो आप उस मेमोरी में जाके जो भी उस लोकेशन में डेटा लिखा है उसको लोड करो एक्यूमुलेटर के अंदर। ये एक्चुअल में मीनिंग है किसका? रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का। या अगर मैं ऐसे लिखता हूं लेट्स से एड R1, R2, और R2 को मैं अगर इस तरीके से लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि R1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसमें आप एड करके किसको? R2 की वैल्यू को? नहीं, R2 में आपको जो भी डेटा मिल रहा है उस डेटा पे जाओ, मतलब वो क्या है? मेमोरी लोकेशन। तो आप उस मेमोरी को जब आप फेच करोगे तो उस मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा पड़ा है उसको उठाओ और उसको R1 में ऐड करके, R1 की डेटा के अंदर ऐड करके और R1 में ही उसको स्टोर कर दो। ये है एक्चुअल में मतलब किसका? रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का। तो अगर हम यहां पे बात करें कि रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का बेनिफिट क्या है, तो मेन बेनिफिट यहां पे क्या है कि जल्दी हमारे रजिस्टर्स होते हैं कम और हमारी मेमोरी होती है बड़ी, मतलब मेमोरी का साइज ज्यादा होता है, रजिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास कम। लेट्स से अगर हमारे पास मेमोरी है 64K × 16, मतलब हमारी मेमोरी के अंदर 64K वर्ड्स हैं, इतनी लोकेशंस हैं और हर एक लोकेशन में मैं 16 बिट्स को स्टोर कर सकता हूं। तो यानी इतने नंबर ऑफ वर्ड्स को, वर्ड्स मतलब इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स को एड्रेस देने के लिए मेरे को कितनी बिट्स लगेंगी? 2^6, दैट इज 64, 2^10 That is K. तो यानी टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होगी? 2^16, मतलब आपको 16 एड्रेस, मतलब जो आपका साइज होगा एड्रेस का, जो मेमोरी के ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा, उस एड्रेस का साइज कितना होगा? 16 बिट। तो अगर आप डायरेक्ट 16 बिट को एड्रेस के अंदर लिखोगे इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो इंस्ट्रक्शन का साइज क्या हो जाएगा?
बड़ा। तो आप क्या करो, इस इंस्ट्रक्शन की जो भी इस मेमोरी का एड्रेस है, उस एड्रेस को आप कहां डाल दो, रजिस्टर के अंदर। और रजिस्टर हमारे पास क्या होते हैं, जनरली कम, मतलब 16 रजिस्टर्स हैं या 32 रजिस्टर्स हैं। लेट्स से अगर हमारे पास 16 रजिस्टर्स हैं, तो 16 रजिस्टर्स को एड्रेस करने के लिए मेरे को कितनी बिट लगेंगी, 4 to the power 4। तो यानी आपकी जो इंस्ट्रक्शन का साइज है यहां पे कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन के अंदर यहां पे आप एड्रेस की बिट दे रहे हो, यहां पे आप क्या दे रहे हो, रजिस्टर का नंबर। तो रजिस्टर का नंबर कितनी बिट में कवर हो जाएगा, 4 बिट में कवर हो जाएगा। लेकिन जब आप उस रजिस्टर पे जाओगे, वहां पे आपको कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। यहां पे थोड़ी कंप्यूटेशन बढ़ गई, क्योंकि आपको पहले रजिस्टर पे जाना पड़ेगा, उस रजिस्टर में जो डेटा पड़ा है उसको, मतलब वो क्या कंसीडर करना, उसको मेमोरी लोकेशन कंसीडर करना है, और फिर उस मेमोरी लोकेशन पे जाके जो डेटा पड़ा है उसको आपको फेच करना है। तो ये थोड़ी कंप्यूटेशन यहां पे बढ़ गई, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन का साइज है वो आपने बढ़ने नहीं दिया। और वैसे भी रजिस्टर मोड है यहां पे, तो रजिस्टर का जहां पे भी आप यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फास्टर जो है आपको काम होगा। लेकिन कंप्यूटेशन यहां पे, क्योंकि एक स्टेप बढ़ गया, और दूसरा आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि जो भी डेटा हमें मिल रहा है उस डेटा के ऊपर हमें इस तरीके से यहां पे काम करना है। तो ये एक्चुअल में रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। तो जनरली क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि इफेक्टिव एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, और उसके अलावा अगर हम बात करें कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें दी है तो हमें किस तरीके से उसको लिखना है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में। थैंक यू।